हमारे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंट में पढ़ेंगे चैप्टर प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब विधि। किसी काम को दो से तीन बार में क्लियर करना विधि कहलाता है। कोई भी काम एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है, चाहे वो घर बनने का हो, चाहे घर का कोई और काम हो, चाहे आपके घर में आटा बनने का काम हो, ये काम एक बार में नहीं होता है, दो तीन बार में बनता है। जैसे आटा को एग्जाम्पल में लेते हैं तो पहले गेहूँ को हम फ्रेश करते हैं, फिर उसको पीसा जाता है और तीसरी बार में वो आटा बनता है। तो इस तरह से तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस, पांच प्रोसेस में काम होने को ही विधि कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डॉक्टर मनमोहन प्रसाद के बुक से। एक कंपनी कमोडिटीज यानी कुछ वस्तु बनाती है तीन प्रोसेस से होकर। पहला प्रोसेस का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। तीन प्रोसेस में अपने माल को वो फिनिश करती है, उसके बाद उसको फिनिश स्टॉक मिलता है। ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मटेरियल 10,000, लेबर 8,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों का दिया हुआ है 5,200। उसको लेबर के रेशियो पर बांटना है। लेबर कितना कितना है? 8,000, 12,000, 6,000। 8, 12, 6 जीरो कटा देते हैं तो बचेगा 8, 12, 6। रेशियो उसको कहते हैं जो एकदम छोटा हो जाए, इससे छोटा ना किया जाए बिना दशमलव के, यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, इससे छोटा नहीं होगा। तो 4, 6, 10, 3, 13। तो 5,200 रुपया इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, लेकिन मैंने तो 1,600 लिखा है। 5,200 का 4/13, 13 × 4=52, 4 × 4=16। बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसका निकाल देना होगा यूनिट। कैसे निकलेगा यूनिट? 10,000 में डिवाइड कीजिए 500 से, क्योंकि माल बना है 500, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा सर जी 16 और ये हो जाएगा आपका कितना 4 और ये हो जाएगा आपका 3.20। इस तरह से 20 और 16 36 और 4 40 43 रुपया 20 पैसा, 43 रुपया 20 पैसा और ये हो जाएगा 21,600। 43 रुपया 20 पैसा और 21,600, इसको लिखेंगे बाई प्रोसेस बी। बाई प्रोसेस बी, ये बी में ले जाएंगे। काम इतना जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं, ए से बी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे, तब जाके काम कंप्लीट होगा। इसका फाइनल जोड़ आया है 43 रुपया 20 पैसा और इसका फाइनल जोड़ 21,600। ठीक, अब हम अगले प्रोसेस में जाएंगे, यानी प्रोसेस नंबर बी में। प्रोसेस नंबर बी में क्या क्या लिखना होगा, वैसे ही जैसे मैंने आपको डेट पार्टिकुलर लिखा है सब वैसे ही लिख लीजिएगा। तो 2 में सर जी मटेरियल किताब में दिया हुआ है, 2 मटेरियल कितना ज़रा पढ़िए, 8,000। उसके बाद दिया हुआ है लेबर, 2 लेबर, लेबर को कितना लिया जाए सर, 12,000। और तीसरा आइटम है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 है। अब हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो किताब में टोटल 5,200 दिया है, तो 5,200 को बांटिए, यानी 5,200 × 6/ कितना, अब की बार उसमें इसमें 4/13 हुआ है तो इसमें कितना होगा, 6/13, 53 × 52 और 4×6=24, यानी 2,400 लेना होगा। बढ़िया, अब फाइनल जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इसको क्या करना है, 12×8=20, 20×1=21, 21×2=23। हाँ, एक चीज़ और इसमें सबसे पहले एक चीज़ और डालना चाहिए था, वो था आपका टू प्रोसेस क्या डालना है, ए प्रोसेस से कितना बैलेंस आया, ए प्रोसेस से बैलेंस आया है इसमें 43 रुपया 20 पैसा और इसमें कितना आया सर, 21,600। ठीक, अब जोड़िए 21 और 8 29, 29, 12×8=20, 20×1=21, 21 और
41, 42, 43, यानी किया गया 45,000 फाइनल जोड़, 45,000 फाइनल जोड़। अब इसका क्या कीजिए कि रेशियो निकाले, 8,000 को यदि हम 500 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 800 को, 8,000 को 500 से डिवाइड करने पर 16, इसके बाद ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4.80। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो ये 90 हो जाएगा। ठीक, आप लोग को नीचे का ये डिजिट दिख रहा है ना, आइए नीचे का भी डिजिट अच्छी तरह देखें। तो सेकंड साइड में जाकर क्या लिखेंगे सर, बाई प्रोसेस सी, तो इसमें डाल देंगे 90 और इसमें डाल देंगे 45,000, यानी फाइनल जोड़ 90 और इधर में 45,000। बढ़िया, तो जैसे मैंने बी बनाया वैसे आप सी भी बना सकते हैं। जब सी बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, सी का शुभारंभ कीजिएगा टू प्रोसेस बी के नाम से। जैसे मैंने इसका शुभारंभ किया टू प्रोसेस ए के नाम से, तो अगला प्रोसेस कैसे शुरू कीजिएगा, टू प्रोसेस बी के नाम से। पहले लिखना होगा 90 और कितना 45,000, फिर बाकी सारे अमाउंट भी डाल देने होंगे, सबको 500 से डिवाइड कर देना होगा और बाई में जितना कमी आएगा। तो अब डी तो लिखेंगे नहीं, तीन ही प्रोसेस का क्वेश्चन है, ए में लिखा बी, बी में लिखा सी, तो सी में डी नहीं, सी में क्या लिखेंगे, बाई फिनिश स्टॉक, बाई फिनिश स्टॉक। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनाने आपको आ जाएगा। इस तरह से सिंपल कोई भी क्वेश्चन आप प्रोसेस का बना सकते हो। यदि आपको प्रोसेस चैप्टर या कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल में किसी भी प्रकार के कॉमर्स के सॉल्यूशन कोई भी चीज़ आप खोज सकते हैं, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, बीकॉम पार्ट 1, 2, 3, जो भी आप खोजें सारे चीज़ इसमें अवेलेबल, वीडियोस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे। यदि आपको हमारे चैनल अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद।